Hello student, today I'm teaching you entrepreneurship for class 12. Our today's topic is moving up the value chain. So in my previous video, I taught you about value addition. तो वैल्यू एडिशन का मीन्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करते रहता है, ठीक है। उसका वैल्यू इम्प्रूव करने का मतलब रहता है कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, द बिजनेस मैन गेट्स मोर ओवर एडवांटेजेस एंड मोर ओवर ही नीड मोर ओवर कस्टमर्स अट्रैक्शन। सो दैट्स वाई दे डूइंग वैल्यू एडिशन. Now, next, moving up the chain value, okay? So, a value chain is the whole series of activities, we can say, okay? So, we can say a value chain is the whole series of activities that create and build value at every step. तो हर एक स्टेप में हमें अपने कॉमोडिटी का वैल्यू बढ़ा के रखना है, चाहे वो प्रोडक्शन से लेकर के किसी भी लेवल का स्टेप हो, इट अप टू रीच टू द कस्टमर। सो द टोटल वैल्यू डिलीवर्ड बाय द कंपनी इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू बिल्ट अप ऑल थ्रू आउट द कंपनी। सो माइकल, एज आई गिवन दिस एग्जाम्पल इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, दैट वन ऑफ द राइटर says about the competitive advantages. तो जैसे माइकल पॉटर हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1980 में, उसमें इन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में बताया था कि हमें अपने जो भी हम कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, राइट बिगनिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल अप टू कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, हमें वैल्यू इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे मैक्सिमम हमारी जो गोल है वो हम अचीव कर सके, ठीक है। So we have divided these moving up the value chain activities in two parts. One is your primary activity and second is your support activities. तो सबसे पहले हम बात करते हैं primary activities की, ठीक है। So primary activities, first is inbounded logistic. So goods begin obtained from the organizationals, suppliers and to be used for producing the end product. तो इसमें सबसे पहले जो इनबाउंडेड लॉजिस्टिक होती है, जहाँ पे हमें अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सप्लायर्स हैं वो गुड्स को फिनिश गुड्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। सेकेंड, हमारा ऑपरेशन में हमें ध्यान देना है, फ्रॉम वेयर वी गेट द रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वैल्यू ऑफ एडेड टू द प्रोडक्ट एट दिस स्टेज एट इट्स मूव थ्रू द प्रोडक्शन लाइन, उसके बाद वो प्रोडक्शन लाइन के लिए मूव ऑन कर लिया जाता है ऑपरेशन करने के बाद। फिर आउटबाउंडेड लॉजिस्टिक, वन ऑफ द प्रोडक्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, दे आर रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जब आपका सामान बन गया उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट एरियाज में सेंड किया जाता है। इसमें होलसेलर्स आते हैं, फिर रिटेलर्स आते हैं एंड देन लास्ट कस्टमर्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज आउटबाउंडेड लॉजिस्टिक। तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होने की कैटेगरी में आ जाता है टू द कस्टमर, दैट इट इज कॉल्ड आउटबाउंडेड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट वन, मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके बाद मार्केटिंग और सेलिंग होती है। तो हम सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इनबाउंडेड लॉजिस्टिक हमने बताया, फिर हमने ऑपरेशन किया गुड्स का, फिर आउटबाउंडेड लॉजिस्टिक किया कि गुड्स बनाने के बाद उसको बाहर डिस्पैच किया गया होलसेलर्स को, देन रिटेलर्स को एंड देन कस्टमर्स को। उसके बाद बात आती है मार्केटिंग एंड सेल्स की। तो मार्केटिंग मस्ट मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द करेक्ट कस्टमर ग्रुप। तो जो हमारा टारगेट है, हम ये कोशिश करेंगे कि वो अपने आप में करेक्ट कस्टमर ग्रुप तक पहुंचना चाहिए। सो द मार्केटिंग मिक्स इज यूज टू स्टैब्लिश एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इज क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द टारगेट ग्रुप थ्रू द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। तो जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, वो बिल्कुल क्लेरिफाई होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के जितने भी हमारे एडवांटेजेस हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए, कस्टमर तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज़ के तहत होता है।
फिर है हमारी सर्विसेज. सो आफ्टर द प्रोडक्ट एंड सर्विस हैज़ बीन सोल्ड, व्हाट सपोर्ट सर्विस डज द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कस्टमर. सो दिस मे बी कम इन फ्रॉम सेल ऑफ आफ्टर सेल ट्रेनिंग गारंटी एंड वारंटीज. तो ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने गुड्स के साथ या अपनी सर्विसेज के साथ जो भी हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं. तो वो ट्रेनिंग हो सकती है कि आप गुड्स के गारंटी लेते हैं और वारंटी उनको देते हैं. सो विद द अबव ऑल दीज एक्टिविटीज एनी और द कॉम्बिनेशन ऑफ देम आर एसेंशियल इफ द फर्म हैज़ टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस विच पॉटर टॉक्स अबाउट इन दिस बुक. तो जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है उसमें वो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, वैल्यू चेन की बात करते हैं. तो ये वैल्यू चेन के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि राइट बिगनिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल अप टू इट रीच टू द कस्टमर, आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, किसी भी फॉर्म में हो, उसका मेन अल्टीमेट एम ये होता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करे. अनदर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट इज सपोर्ट एक्टिविटीज़. So support activity assists the primary activities in helping the organization achieve its competitive advantages. They include procurements. ये इसमें procurements होता है. Procurements का मतलब है कि best तरीके से हम अपने product को possible quality में बनाएं एक budget के साथ. So support activities का सबसे पहला point है procurement. So this department must source raw material for the business and obtain the best price for doing so. ठीक है, तो एक best price के basis पे हम raw material को finished goods में convert करते हैं. ठीक है, the challenges for procurement is to obtain the best possible quality available for their budget. Another one, technological development. तो in this we must obtain a competitive advantages is very important in today technology driven environment. तो जिसको हम अपने environment से लेते हैं, जो नए technique market में आई है, we must purchase that particular technique and along with the particular technique we have to do the production. So technology can be used in many ways including production to reduce cost and thus adding value, research and development to develop new products on the internet so that customers can have 24/7 access to the firm. तो हमें ऐसी टेक्निक की हेल्प से गुड्स को और सर्विस को प्रोड्यूस करना है जिसकी हेल्प से कस्टमर टोटली सेटिस्फाइड हो और 24/7 उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके. अनदर वन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू रिक्रूट, ट्रेन, डेवलप द राइट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू द सक्सेसफुल. हमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको रिक्रूटमेंट देना है, सेलेक्शन करना है, उनका डेवलपमेंट करना है टाइम टू टाइम so that they work for the betterment of the firm. So staff will have to motivate and paid the market rate, जो market में जो rate चल रहे हैं उनके according अपने customers को pay करना है ताकि वो full support करें हमारी firm को, हमारे firm के aim को achieve करने में. So if they are to stay with the organization and add value within the service sector such as the airline industry, employees are at the competitive advantages as customers are purchasing a service so which is provided by employees. So there isn't product for the customers to take away with them. तो जैसे कि airlines के जो industry के जो employees होते हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है कि they not need to purchase the services of their own where they are working. वो उनके लिए free of cost है. तो such type of facility the firm must provide to the particular people, those who are working. Then firm infrastructure. So every organization need to ensure that their finance, legal structure, management structure work efficiently and effectively for the growth of the firm. So inefficient infrastructure based resource could affect the firm's reputation and even leave it open to fine and sanctions. So agar hum infrastructure ka waste karte hain, air pollute karte hain to usse hamare firm mein bhi fark padta hai. Theek hai, now next, Potter's generic values chain. So in Potter's generic value chain we studied first inbounded logistic, another one operations, then outbounded logistic, then marketing and sales strategies, and last one services. Fine, now we will study six requirements for the value chain management. To jo value chain hai
उसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है कि जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं वो एक कोऑर्डिनेट होकर वर्क करें, कोलैबोरेट होकर वर्क करें, ठीक है। अनदर वन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी प्लेज अ लार्ज रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो विद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सच ओल्ड कंप्यूटर्स एंड मशीनरी एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव इज वीकेंड ड्यू टू लॉस इन प्रोडक्टिविटी। सो फॉर एनी ऑफ द फर्म इफ द टेक्निक इज वेरी लो, द टेक्निक इज ओल्ड, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फर्म टू गेट सक्सेस। अनदर वन रिक्वायरमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। सो वैल्यू चेन मैनेजमेंट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज डेफिनेट। सो इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी ग्रेटर प्रोसीजर्स नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो किसी भी कंपनी के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज वेल, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द फर्म हाउ वर्किंग, ओके। नेक्स्ट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडर्स आर क्रिटिकल टू द सक्सेस इन द वैल्यू चेन मैनेजमेंट। तो वैल्यू चेन मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग लीडर्स का होना भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। गुड लीडर्स अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज थ्रू साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो किसी भी मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट मोटिवेट्स डायरेक्शंस आर ट्रस्टेड दैट स्ट्रॉन्ग लीडर्स डिस्प्ले। तो जो लीडरशिप है वो अपने आप में मोटिवेशन होनी चाहिए, मोटिवेटर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि फर्म में इजीली वी गेट द सक्सेस। फिफ्थ वन एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ सेंट्रल हब ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिट्स कंपनी पॉलिसीज हायरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कॉपरेशन टू फंक्शन प्रॉपरली। तो किसी भी फर्म के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं, कोई भी दिक्कत है वो अपनी वहाँ पर शेयर कर सके। सो विदाउट अ नॉलेजेबल एंड एक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ में फील दे डू नॉट हैव वॉइस विद इन द कंपनी। तो अगर वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। सो मैनी टाइम्स द एम्प्लॉय इज़ हेजिटेंट टू गो डायरेक्टली टू द सुपरवाइजर विद इशू। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात आपको पहुँचानी है किसी एम्प्लॉय को, तो दे नॉट हैव द डायरेक्ट कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ का जो प्रॉब्लम है वो उसको सुने और शॉर्ट आउट करे। सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट विच रेज द वैल्यू चेन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एटीट्यूड। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट फोर्स स्ट्रॉन्ग कल्चर आइडेंटिटी विद पॉजिटिव एटीट्यूड्स टेंड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप एम्प्लॉयज़। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे टॉप के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप में पॉजिटिव माइंड के होने चाहिए। रेगुलर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ आर सजेस्टेड टू हेल्प बिल्ड कल्चरल यूनिटी एंड कीप एटीट्यूड पॉजिटिव वाइल बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो टाइम टू टाइम मीटिंग होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, स्पॉन्सर्स किए जाने चाहिए जिसमें जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कआउट कर रहे हैं दे मस्ट शेयर देयर व्यूज़ विद ईच अदर एंड गेट द बेनिफिट फॉर इम्प्रूविंग द एंड फॉर अचीविंग द सक्सेस ऑफ द फर्म, ओके। सो दिस इज योर चैप्टर इज कंप्लीट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।